हेलो डियर स्टूडेंट, टॉप करंट अफेयर 2023। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में आपके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उस सब की बात करेंगे। तो सभी लोग तैयार रहें और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहें। इस सेशन को जरूर देखना, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि मेंस में भी अब आपका करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो बिकॉज ऑफ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, द धानु यात्रा फेस्टिवल द लॉन्गेस्ट ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल जो है वो कहाँ मनाया जाता है, जिसका नाम है धनु यात्रा। ये ओपन थिएटर फेस्टिवल है प्यारे विद्यार्थियों। अगर हम बात करें यहाँ पे जो उड़ीसा है, उड़ीसा मनाया जाता है, उड़ीसा के कल्चर के बारे में बिल्कुल ओपनली शो किया जाता है। अलग अलग तरीके से डांस फॉर्म वगैरह किए जाते हैं ताकि लोगों को जागरूक कर सके अपने कल्चर से। उड़ीसा तो उड़ीसा मनाया जाता है। उड़ीसा में अगर हम बात करूँ तो पहला एक और उत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है नुआखाई। नुआखाई एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, एक हार्वेस्ट फेस्टिवल, ठीक है। दूसरा आपका है मनाया जाता है चैरियोट फेस्टिवल, और ये एक तरह का रथ यात्रा है, ठीक है। ये क्या है? रथ यात्रा। अगर मैं बात करूँ तीसरा जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है छाऊ फेस्टिवल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उड़ीसा में यह मनाया जाता है। अभी उड़ीसा में विलर द्वीप है, इसका ये बात का आप लोग ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं भाई। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च प्रज्वला चैलेंज टू ट्रांसफॉर्म द रूरल डेवलपमेंट। देखो, अगर लोग चैलेंज नहीं लेंगे, अगर आप चैलेंजेस एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर आप आगे बढ़ना नहीं चाहेंगे, तो जो हमारे रूरल डेवलपमेंट है उसको विकास की स्थिति नहीं मिलेगी। ये कहना है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय का, जिसके मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह जी। और गिरिराज सिंह ये यूनियन मिनिस्टर हैं। स्टेट मिनिस्टर इसके हैं, जिनका नाम इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, वो हैं आपके फग्गन सिंह कुलस्ते, ठीक है। अब देखो, इसका प्रज्वला चैलेंज का मतलब क्या है कि गांव में चैलेंजेस दिए जाएंगे, जैसे शहरों में होते हैं कंपटीशन होता है जिससे इकोनॉमी बढ़ती है, वैसे ही प्रज्वला चैलेंज दिया जाएगा जिसके अंतर्गत पुरस्कार भी दिया जाएगा, और लोगों को अगर वो जीतते हैं तो उनको लोन वगैरह दे के उनको आगे बढ़ने के चांसेस दिए जाएंगे, ताकि हमारे गाँव की तरफ भी इकोनॉमी क्या हो, वो बूस्ट हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच पुलिस स्टेशन हैज़ रिसीव द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ द चीफ ऑफ पुलिस यानी AICP अवार्ड 2022 निजात कैंपेन। सबसे पहले मैं बात करूँ, नशा मुक्ति कैंपेन है ये प्यारे विद्यार्थियों, नशा मुक्ति कैंपेन, जिसमें क्या है कि छत्तीसगढ़ की पुलिस, जिसका नाम जो राजनांद गांव में अभियान चलाया, नशे के खिलाफ, ठीक है। इस अभियान में क्या हुआ कि लोगों को जागरूक कर दिया गया, खासकर से नए उम्र के जो हमारे युवा साथी हैं उनको जागरूक किया गया, और इसको लीड किया गया SP City के द्वारा, जिनका नाम है संतोष सिंह, ठीक है। संतोष सिंह जी ने इसको लीड किया। तो ये प्यारे विद्यार्थियों छत्तीसगढ़ का है गांव, कहाँ पे? राजनंद गांव। छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करता हूँ तो आप याद रखना छेरछेरा महोत्सव, जैसे ही छत्तीसगढ़ की बात आती है ना तुरंत याद रख लो छेरछेरा महोत्सव, छेरा फेस्टिवल, ये देखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच आर्म फोर्स सेलिब्रेटेड जश्न ए चिल्लई कला। जश्न ए चिल्लई कला जो है वो CRPF ने जम्मू और कश्मीर में मनाया प्यारे विद्यार्थियों। जम्मू कश्मीर में वहाँ के जो स्टूडेंट हैं, वहाँ के जो बच्चे हैं, वहाँ के जो छोटे बच्चे हैं ना, चाइल्ड हैं, उनके लिए म्यूज़िक, डांस और आर्ट एग्जीबिशन करवाया, आर्ट कंपटीशन करवाया, जिसमें प्यारे विद्यार्थियों इनको जीतने के बाद विनर्स को क्या दिया गया, विनर्स को CRPF की तरफ से अवार्ड दिया गया, ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं वो इन सब चीज़ों में आगे जाएं और प्रोत्साहित हों। तो CRPF ने ये काम किया प्यारे विद्यार्थियों। अगर CRPF की बात करूँ तो 27 जुलाई 1939 को, एजेंसी एग्जीक्यूटिव कौन है एजेंसी, अभी हाल फिलहाल में बने हैं डॉक्टर सुजोय लाल थाउसेन, ठीक है, डॉक्टर सुजोय लाल थाउसेन। आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च द स्मार्ट प्रोग्राम टू बूस्ट द R&D इन आयुर्वेदा।
देखो आयुर्वेद के अनुसंधान और विकास के लिए, ठीक है, बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट जो है अभी हाल फिलहाल में किसने लॉन्च किया था, गवर्नमेंट ने। तो स्मार्ट के मैं फुल फॉर्म आपको लिख के बता देता हूँ, इसका फुल फॉर्म है स्कोप, स्कोप फॉर मेनस्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म है। तो आप देख रहे हो कि एस का मतलब है स्कोप, अगर आपसे पूछा गया कि एम का मतलब तो मेन स्ट्रीमिंग, ए का मतलब आयुर्वेद, आर का मतलब रिसर्च और टी का मतलब क्या है, टीचिंग। तो यानी प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे आयुर्वेदा में भी टीचिंग प्रोफेशन को बढ़ावा देने के लिए ये स्मार्ट स्मार्ट तरीके से बच्चों को शिक्षा दी जाए उसके लिए स्मार्ट के जो है शुरुआत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च मिशन 9 to 9, मिशन 9 to 9 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया है, यानी कि 229 टोटल वार्ड हैं जहाँ पे इलेक्शन जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा। और जिस स्टेट में किया उसका नाम क्या है प्यारे विद्यार्थियों, उसका नाम है त्रिपुरा। इससे पहले यहाँ पे 88% to 83% और 85% वोटिंग होती थी, लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन ने प्यारे विद्यार्थियों 9 to 9 मिशन के तहत लक्ष्य रखा है कि 90+ वोटिंग जो है इस जगह पे हो, इन सभी वार्ड्स में 90+ वोटिंग हो त्रिपुरा में, ठीक है। त्रिपुरा में पूरी वोटिंग नहीं होती है। तो अगर मैं बात करूँ इलेक्शन कमीशन की तो आपसे आर्टिकल पूछा जा सकता है, कौन से आर्टिकल में, तो 324। और अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेट क्या होता है तो स्टेट आर्टिकल जो होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन 243K में होता है, ये बात आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं। राजनाथ सिंह ने अभी इनॉग्रेट किया है 100 मीटर सियोम ब्रिज का, 100 मीटर सियोम ब्रिज का जो है वो BRO ने बनाया है, यानी कि बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन, और BRO ने प्यारे विद्यार्थियों 7 मई, BRO का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 7 मई 1960 को, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है। BRO ने इसको बनाया 100 मीटर सियोर ब्रिज को, और इसका उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में अभी हाल में फिलहाल में हमारे देश के रक्षा मंत्री जी ने किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज सेलिब्रेटेड इमो इनू इरप्ता महोत्सव, जो ये सेलिब्रेट किया गया है मणिपुर में, मणिपुर के, और देख लो ये इंपॉर्टेंट है सारे, आपका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। जैसे संगाई फेस्टिवल, अमूर फॉलकर फेस्टिवल, लाल हरोबा फेस्टिवल मणिपुर, संगाई फेस्टिवल, लाई नराई नी फेस्टिवल, निंगोल चौकोबा फेस्टिवल, कचाई लेमन ये भी इंपॉर्टेंट है, हाल फिलहाल में ही मनाया गया इसको, और सिरोई लीली ये भी इंपॉर्टेंट है। सिरोई लीली एक पौधा है जो कि आपका पाया जाता है कहाँ पे, ये भी पाया जाता है आपका मणिपुर में, ठीक है। तो आप लोग याद रखना। बाकी आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड 18th नेशनल स्काउट गाइड जम्बूरे। सबसे पहले तो मैं आपको जम्बूरे के बारे में बता देता हूँ। स्काउट गाइड की जब स्काउट गाइड करने वाले बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, मास जब उनका एक जगह होता है ना, मतलब एक ही जगह पे होते हैं इकट्ठा, तो उस चीज़ को कहते हैं जम्बूरे। और ये 18वां है अगर मैं बात करूँ तो। पहली बार ये 1953 में शुरू हुआ था, जम्बूरे की शुरुआत की गई थी स्काउट एंड गाइड्स की तरफ से। इसका इस बार का विषय जो सब्जेक्ट रहा है प्रोग्रेस विद पीस, यानी कि बढ़ो और शांति से बढ़ो, ठीक है। पहली बार 1953 में मनाया गया था। गान नराई फेस्टिवल जो है प्यारे विद्यार्थियों, आपने अभी पढ़ा हाल फिलहाल में, तो ये मणिपुर में गान नराई मनाया गया है। विच रेलवे स्टेशन हैव अवॉर्डेड 5-star ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एंड न्यूट्रिशियस फूड फॉर पैसेंजर रिसेंटली। पैसेंजर को अच्छा फूड और हेल्दी फूड खिलाने के लिए अभी हाल फिलहाल में वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को मिला है 5-star रेटिंग। अगर मैं बात करूँ 4-star रेटिंग इसके साथ ही मिला था इसको भोपाल रेलवे स्टेशन को, ठीक है, ये खाने में भोपाल रेलवे स्टेशन को मिला था ये। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ एज्यूम द चार्ज ऑफ सेक्रेटरी जनरल द एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, यानी APPU जो है, इसके बारे में बता देता हूँ कि 32 स्टेट मेंबर हैं इसके, 32 स्टेट मेंबर्स हैं, और 1 जुलाई 1982 को इसको बनाया गया था, ठीक है, 1 जुलाई 1982 को बनाया गया था। बाकी इसके जो हेड बने हैं, जो महासचिव बने हैं, उनका नाम है डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हुआ जनाग्रेटेड
एमडी एंड सीईओ ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी हाल में ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए सीएमडी बनाए गए हैं, उनका नाम है सुंदर रमन रामामूर्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिया विल होस्ट द वर्चुअल समिट 12th and 13th ऑफ द जनवरी कॉल वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट। प्रधानमंत्री जी ने इसको होस्ट किया। होस्ट कौन था? हमारे पीएम जी ने थे। और देश मतलब विदेश में, सॉरी पूरे वर्ल्ड में, अपने जो साउथ के कंट्रीज़ हैं, साउथ की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उनके पावर को बताने के लिए मोदी जी ने आह्वान किया कि हम भी अगर एक साथ आते हैं तो हम क्या करेंगे, पूरे देश को, हम पूरे वर्ल्ड को हम बता सकते हैं कि हम भी कुछ हैं। ठीक है, हमारे अंदर भी कुछ है, हम भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसका सब्जेक्ट जो था वो यूनिटी ऑफ वॉइस और यूनिटी ऑफ पर्पज़, यानी कि हम एक साथ एक पर्पज़ के लिए आएँ और अपनी आवाज़ को जो है वो बुलंद करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्टर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, जो कि सोशल जस्टिस और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं, इन्होंने अभी हाल फिलहाल में पर्पल फेस्ट शुरू किया है, गोवा में शुरू किया है। अरे विद्यार्थियों, पर्पल फेस्ट जो है वो दिव्यांग लोगों से है, जो हैंडीक्राफ्ट हैं, जो फिजिकली अनफिट हैं, उनके लिए पर्पल फेस्ट स्टार्ट किया गया, ताकि उनके साथ भेदभाव लोग ना करें, इसको जागरूक करने के लिए। अगर मैं बात करूँ मोपा, अब नाम रख दिया गया है मनोहर पर्रिकर जी के नाम पे, गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। मिलिट्री टैटू एंड ट्राइबल डांस फेस्टिवल आदि सौर्य, अभी हाल फिलहाल में 23 जनवरी जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन भी था, उस दिन से 23 और 24 जनवरी को मनाया गया दिल्ली में आदि सौर्य। आदि सौर्य क्या था? इसमें डांस प्रोग्राम और म्यूजिक के थ्रू ये बताया गया कि हमारे देश में जो सैनिक थे वो कितनी, हमारे देश में जो इंडिपेंडेंस दिलवाने के लिए, सब स्वतंत्रता दिलवाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी थी, इन सभी चीज़ों को इस आदि सौर्य के थ्रू शो किया गया। अगर मैं बात करूँ उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक इनॉग्रेट है स्टेट एंड आर्ट हॉकी स्टेडियम इन राउरकेला। राउरकेला में एक आर्ट हॉकी स्टेडियम बनवाया है जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है, और ये शुरू किया है नवीन पटनायक ने। गुजरात के सीएम ने अभी हाल फिलहाल में काइट फेस्टिवल 2023 अहमदाबाद में लॉन्च किया। इसकी थीम, प्यारे विद्यार्थियों, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर है, जो कि G20 की भी इस बार की थीम है, आप लोग याद रखना। ठीक है, बाकी अगर आप अनअकैडमी जुड़ के अपनी तैयारी करना चाहते हो, आपके लिए बेहतरीन मौका है इस समय, प्यारे विद्यार्थियों। 16 से 21 फैब तक अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं डिस्काउंट कोड PMYT यूज़ करके, तो आप CGL और दिल्ली पुलिस की तैयारी बहुत ही कम फीस, यानी कि 5399 में कर पाएंगे। इसके साथ साथ आप और भी जितने भी SSC के एग्जामिनेशन है, जैसे MTS हुआ, CHSL हुआ, ठीक है, CHSL मेंस होगा, CGL मेंस अभी तो हो रहा है, अभी होने वाला है CGL मेंस, और उसके बाद CHSL मेंस आएगा, CHSL के एग्जामिनेशन होने हैं, बहुत सारे एग्जामिनेशन होने हैं 2023 में, उन सब के लिए आप अनअकैडमी से जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हो। यहाँ पे आपको टेस्ट पेपर मिलेगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करना जब भी आपको अनअकैडमी से जुड़ना हो। मैं तो कहूँगा जल्दी जुड़ जाओ, क्योंकि ये ऑफर बहुत ही कम टाइम के लिए है, लिमिटेड पीरियड ऑफर है, फ्लैट 20% ऑफ है आपके फीस में, तुरंत उससे PMYT कोड यूज़ के लगाओगे 20% ऑफ होगा, उससे भी ज़्यादा आपको ऑफर मिल सकता है PMYT कोड लगाने के बाद। तो प्यारे विद्यार्थियों, PMYT डिस्काउंट कोड SSC के साथ साथ सभी कैटेगरी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए तो। सो थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप अपने एग्जामिनेशन में इसका यूज़ कर पाएँ। बाय बाय, गुड नाइट।